मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के निपानगर थाना क्षेत्र के जो थाना है उसके ऊपर जो है अतिक्रमणकारियों ने जो है 50 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने जो है हमला कर दिया। हमले के अंदर आपको बता दें जो है 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो निपानगर का जो थाना है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पथरावल की वजह से तोड़फोड़ भी हुई है। आपको बता दें थाना प्रभारी का जो है चेंबर के जो कांच है उसको भी तोड़ा गया है। लगातार हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 कंप्यूटर को भी जो है अतिक्रमण द्वारा जो है पत्थर से तोड़ा गया है और अपने जो है साथियों को वहाँ से छुड़ाकर जो है अतिक्रमणकारियों ने छुड़ा के लेके गए। आपको बता दें जिसके बाद के अंदर ये घटना जो है लगभग रात में 3 से 3:30 बजे के आसपास की बताई गई है, जिसके बाद में फौरन जो है SP कलेक्टर वहाँ पर पहुँचे थे और जो है मौका मुआयना वहाँ पे SP और कलेक्टर ने किया है। हम आपको बता दें जो है 3 पुलिसकर्मी जो अभी फ़िलहाल घायल है उनको जो है बुरहानपुर के निजी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जा रहा है जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें ये घटना इससे पहले भी जो है हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो बुरहानपुर जो है कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा जो है सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ पे जो है लगातार वन हमला हो रहा है, वन अधिकारियों के ऊपर जो हमला हो रहा है, पुलिसकर्मियों पर ऊपर जो है हमला हो रहा है कि और एक तरफ अगर हम देखा जाए तो बुरहानपुर के जो कलेक्टर कार्यालय है यहाँ पे लगभग 3 दिन से जो है आदिवासी अपना धरना दे रहे हैं। उनकी ऐसी मांग है कि जो जंगल कटाई कर रहे हैं अतिक्रमणकारी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, बावजूद इसकी जबकि पुलिस जो है लगातार अपने प्रयासों से, वन विभाग अपने प्रयासों से जो है अब तक के पुलिस ने कई जो है गिरफ्तारियाँ की है। क्या कुछ मामला है, बुरहानपुर SP ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। देर रात जो धीमा बाकी बंदूक के अंदर जिस आरोपी को कल पकड़ा था तो उसके अंदर कुछ लोगों ने जो है वो निपानगर थाने पर आकर जो है वो हमला किया है और जो धीमा है और साथ साथ में उसके साथ में एक मगन पटेल करके जो नौड़ी पटेल था और एक लड़का जो पूछताछ के लिए था इधर की, तो वो तीनों को वो छुड़ा के लेके गए। अभी सारी चीज़ें हम लोग CCTV फुटेजेस वगैरह देखे हुए हैं और भी सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग सारे अतिक्रमणकारी जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके और अंदर सर एक सेकंड सर एक जो 3-4 लोग थे आने के अंदर उसमें से कुछ 3 लोगों को जो है वो मूंदी चोटें आई हुई है हाथ पे और पीठ पे, 2-3 इस तरीके से 3 लोगों को चोट आई हुई है पर वो मूंदी चोटें हैं, सब लोग अभी ठीक है, ऐसी कोई तबियत वगैरह भी नहीं है, उनको MLC के लिए अलग से अस्पताल भेज दिया सर कुछ दिन। सबसे पहले तो ये लोग जो थे उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो 60 लोग आए थे उनके CCTV फुटेज में कैमरे में सारे चेहरे भी आ गए हैं, उन लोगों की हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जिन लोगों ने आत्मसमर्पण की अगर बात करें तो पहले अगर आत्मसमर्पण किया है और उसके बाद में इस तरह के एक्शन अगर काम किया है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, क्योंकि कुल मिला के जो है वो थाने के अंदर CCTV कैमरे में जो दिखाई दे रहा है तो 60 लोगों के आसपास जो है वो लोग आए हुए हैं और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये थे बुरहानपुर SP, हमने आपको सुनाया है इन्होंने क्या कुछ जो है कहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन शेख रहमान के साथ मैं दानिश अज़ा खान, BNC मीडिया बुरहानपुर।